हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ इमरान। आज मेरे पास है वीवो का वीवो S1। जी हाँ, डायमंड ब्लैक कलर में ये फ़ोन मेरे पास आ चुका है और इसी डायमंड ब्लैक वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। इस फ़ोन का जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला। साथ ही साथ इस फ़ोन का कैमरा का रिव्यू करेंगे और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता, फेस अनलॉक, साथ ही साथ इस फ़ोन का जो कैमरा है पीछे की तरफ 3 कैमराज है और फ्रंट 32 मेगापिक्सल, तो कैमरा का रिव्यू भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्काईलाइन ब्लू और यहाँ पे दो कलर जो वीवो S1 में देखने को मिलता है, स्काईलाइन ब्लू और साथ ही साथ डायमंड ब्लैक, तो दोनों ही फ़ोन का यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वीवो S1 को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और जैसे कि मैं हमेशा ब्लेड से करता हूँ अनबॉक्सिंग, तो इसी फ़ोन को हमने यहाँ पे सील को कर दिया है ब्रेक। और बाकी ये रहा ऊपर एक सेक्शन मिलता है वीवो S1 का, कुछ इस तरह से सेक्शन में हमें एक केस कवर मिल जाता है। जी हाँ, सॉफ्ट सा केस कवर है, साथ ही साथ कुछ वीवो की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। और बाद में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे फ़ोन को और कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट के साथ आता है ये फ़ोन। और डेफिनेटली ये जो फ़ोन है अमेजिंग फ़ोन है, बहुत ही स्टाइलिश सा फ़ोन है। और बाकी क्या क्या कॉन्टेंट्स मिलता है, यहाँ पर हमें एक अडोप्टर मिल जाता है और डेफिनेटली ये जो अडोप्टर है वो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आउटपुट 5V एंड 2A का है। वैसे में अगर आप इस फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस अडोप्टर से कर सकते हो। साथ ही माइक्रो USB केबल एंड एक यहाँ पे हेडफोन भी दे दिया गया है। बाकी ये रहा फ़ोन, कुछ इस तरह से ब्लैक एंड डायमंड का कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। जब आपको ब्लैक में एक डायमंड का डिज़ाइन दिया गया है पीछे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो लुक्स बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, वीवो का ब्रांडिंग। साथ ही साथ यहाँ पे 3 कैमराज पीछे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ LED फ्लैश। और यहाँ पे इस फ़ोन का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये जो कलर है डायमंड ब्लैक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और ये रहा स्काईलाइन ब्लू और दोनों फ़ोन का जो कलर है बहुत ही स्टाइलिश है, दोनों फ़ोन का लुक्स एंड डिज़ाइन अमेजिंग है। वैसे में कलर का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो स्काईलाइन ब्लू है उसमें ब्लू एंड यहाँ पे पर्पल का कम्बिनेशन है और जो ब्लैक है उसमें आप ब्लैक एंड साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लू का यहाँ पर कम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और गोल्डन में आपको यहाँ पर वीवो का ब्रांडिंग एंड जो कैमरा पार्ट है उसमें सजाया गया है। तो लुक्स एंड डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा लगा, यहाँ पे कलर जो है दोनों फोन्स का मुझे बहुत ही अच्छा लगा वीवो S1 का। और यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू देख सकते हो, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, एक माइक एंड 3.5mm ऑडियो जैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर बटन, साथ ही साथ ये रहा आपका सिम ट्रे। और ये जो सिम ट्रे है ये 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है, यानी आप 256GB तक आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। फ़ोन का सबसे पहले यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। और अगर बात करें इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है उसके बारे में, तो डिस्प्ले जो है इस फ़ोन का वो 6.38 इंचेस का यहाँ पे फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स हो या फिर बाकी डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली फ़ोन बहुत ही अच्छा होगा। वही आपको इसमें AMOLED पैनल देखने को मिलता है एंड डेफिनेट तो जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा आपको इस फ़ोन में दे दिया गया है। और साथ ही साथ डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो जो फिंगरप्रिंट है वो पीछे की तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर ही आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सजाया गया है। जो डिस्प्ले है वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, यानी वेलस फोन नहीं है, तरीके से यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। स्पेक रेशियो है वो 19:5:9 का स्पेक रेशियो रहने वाला है। साथ ही साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फ़ोन यहाँ पे लुक्स डिज़ाइन के मामले में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है वीवो S1, स्टाइलिश सा फ़ोन है, वैसे मेंशन भी किया गया है यहाँ पे स्टाइलिश फ़ोन। वैसे में अगर आप इसमें अबाउट फ़ोन पे चलोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज़ मिलता है, मोर सेटिंग्स, यहाँ पे अबाउट फ़ोन है और यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 9 है, यानी एंड्रॉयड पाई देखने को इस फ़ोन में मिलेगा। साथ ही साथ 2GHz का इसमें ऑक्टाकोर है, मीडियाटेक हेलियो P65 का प्रोसेसर है और साथ ही साथ फ्रंट टच OS 9 भी इसमें आपको देखने को मिलेगा।
यानी जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम साथ ही साथ एंड्रॉयड वर्जन है वो लेटेस्ट है, और साथ ही साथ मीडियाटेक हीलियो P65 का जो चिपसेट पहली बार इसी फ़ोन में यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चिपसेट है अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस भी दे देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग हो या फिर बाकी परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ तीन कैमरा है, यहाँ पे देख सकते हो जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर F1.78 है, साथ ही साथ जो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए कैमरा दिया गया है उसमें F2.2 अपर्चर लगाया गया है, और तीसरा जो कैमरा है बोके इफेक्ट के लिए उसमें आपको F2.4 का अपर्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ कुछ इस तरह से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। साथ ही जो फ्रंट कैमरा है इस फ़ोन का वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और बाद में इस फ़ोन का जो कैमरा है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैमरा कैसा है। सही में जो कैमरा इस फ़ोन में दिया गया है ट्रिपल रेयर कैमरा, साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, क्या अच्छा है ख़राब है? यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया है डेफिनेटली यहाँ पे नेचुरल सा फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, और फ़ोन का जो कैमरा है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं आपको इसमें जो मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है उसमें सोनी IMX499 का कैमरा यूज़ किया गया है, सेंसर साइज 1/2.8 इंचेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तरह तरह के एडिटिंग के ऑप्शन भी इस फ़ोन में आपको दे दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का अमेजिंग है, यहाँ पे देख सकते हो डिटेल के मामले में हो या फिर लो लाइट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको फोटोग्राफी ये वीवो S1 देगा। तो कैमरा के मामले में जो फ़ोन का यहाँ पे परफॉर्मेंस है डेफिनेटली अच्छा है। पीछे की तरफ 16+8+2 मेगापिक्सल का, जो 16 मेगापिक्सल का वो मेन कैमरा है, सुपर वाइड एंगल के लिए यहाँ पे दिया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ में, और बोके इफेक्ट के लिए F2.4 के अपर्चर के साथ आता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस फ़ोन का जो हमें बैटरी मिलता है वो 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है, और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलता है वो कमाल का मिलता है। और अगर बात करें इस फ़ोन का जो चिपसेट मीडियाटेक हीलियो P65 है वो पबजी जैसे गेम के लिए कैसा होगा, डेफिनेटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस मीडियाटेक हीलियो P65 का है, लेकिन यहाँ पे प्राइस के हिसाब से जो मीडियाटेक हीलियो P65 दिया गया है मुझे इस फ़ोन के लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। फ़ोन का जो चिपसेट है 15,000 के डिवाइस में अगर मीडियाटेक हीलियो P65 देते तो चलता, लेकिन इस फ़ोन का जो 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जिसका प्राइस है 18,000, तो 18,000 मीडियाटेक हीलियो P65 मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। बाकी लेकिन इस फ़ोन का जो जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो मुझे अच्छा लगा। आपको 18,000 डिवाइस में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सुपर एमोलेड पैनल भी मिलता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर हम सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कैसा करता है। विदिन 0.4 सेकंड में आपको फ़ोन अनलॉक करके देगा फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे फ्लैश का भी इस्तेमाल किया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे, तो अमेजिंग यहाँ पे स्टाइलिश सा लग रहा है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और डेफिनेटली इस फ़ोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। आपको इसमें तीन वेरियंट देखने को मिलेगा, 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 18,000, 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 19,000, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 20,000। तो ये तीन वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिलेगा, और फ़ोन का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो प्राइस है वो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस है, जैसे कि 1000 आपको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है इस फ़ोन का, जैसे कि प्राइस होना चाहिए था 16 और 17 के अंदर, लेकिन प्राइस है 18,000, 19 एंड 20,000। तो इस बात को लेकर आपका क्या ख्याल है वीवो S1 को लेके नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। फेस अनलॉक यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि फेस अनलॉक कैसा है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं फ़ोन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन अनलॉक हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक है वह मुझे अच्छा लगा, कोई भी इशू नहीं है। वैसे देखने वाले बात होगी कि इस फ़ोन का प्राइस क्या घटता है कि नहीं घटता। तो वीवो S1 को लेकर आपका क्या ख्याल है, इस फ़ोन में आपको मिलता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज, मीडियाटेक हीलियो P65 का प्रोसेसर, 6.38 इंचेस का यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन है, 32 मेगापिक्सल का वर्ल्ड फर्स्ट 32 मेगापिक्सल कैमरा जो वीवो B15 में आप प्रो में देखने को मिल जाता, इसी फ़ोन में भी आपको
वीवो V15 प्रो का जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है इसी फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है। वही आपको इसमें 4500 mAh का बैटरी, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और फ़ोन का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो डेफिनेटली अच्छा है। वैसे मैं आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन को लेके, और इन दोनों फ़ोन का जो कलर है स्काई एंड डायमंड ब्लैक, कौन सा फ़ोन आपको बेहतर लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।